बढ़ते हैं आगे। पूरे बिहार में खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान है, लेकिन इसी बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां आग लगने के कारण पैक्स में रखे गए 200 बोरा खाद जलकर राख हो गए। मोतिहारी की यह घटना है। दूसरी तरफ आग लगने के कारण पैक्स अध्यक्ष के घर पर रखा अन्य सामान ही नहीं जल गया, बल्कि वहां रखे 200 बोरा यूरिया खाद भी जलकर खाक हो गए। घटना मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड की है। 200 बोरा यूरिया खाद रखा हुआ था और इसे लेकर किसानों में काफ़ी खुशी थी कि अब उन्हें खाद उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन देर रात घर में आग लगने की वजह से सारा खाद बर्बाद हो गया। मेरे घर में यूरिया रखा हुआ था, रात में आग लग गया अचानक। हम लोग सो के उठे हैं, तब तक देखे हैं कि पूरा जल गया। कितना बड़ा यूरिया था? 200 बोरा यूरिया था। तो आग लग रहा कैसे, क्या कारण थी, को लगाया आग? हम लोग तो देखे नहीं, सो के उठे हैं तो देखे हैं कि पूरा जल गया था। तब तक पूरा ग्रामीणों मिल के हम लोग उसको बुताए हैं। अच्छा, यूरिया कब गिरा था आपके यहाँ? कल ही गिरा था। कितना बड़ा यूरिया है? 200 बोरा। कहाँ की घटना है ये? आपको धुरु पपड़ी गाँव सरोज सिंह के खाद। हम लोग सुने कि आग लग गया है, हम लोग दौड़ कर आए तो देख रहे हैं कि घर जल गया। उसके बाद में दुकान का खाद रखा हुआ था इनका गोदाम में, वो जल गया। कितना बड़ा लगभग होगा ये? लगभग बोल रहा था लोग, बोलो 250 बोरा। अच्छा, आग कैसे बुझाया गया? आग कैसे लगा? पानी से पाइप लगाया, कम से कम 200 से ऊपर लोग, पूरे गाँव का लोग था, वो आकर पूरे पानी से और पाइप लगा कर 4-5 मोटर स्टार्ट किया गया, सबको बुझाया गया। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रंजीत जुड़ रहे हैं। रंजीत, 200 बोरा खाद अगलगी की घटना में बर्बाद हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ? यह पूरा मामला बता दे कि मोतिहार कल्याणपुर प्रखंड के धुरुपक्ष गांव में, गांव का है, जो पैक्स अध्यक्ष जो सरोज सिंह है, उन्हीं के गोदाम में 200 बोरा खाद रखा था, लेकिन इसी बीच अचानक 2 बजे रात्रि में उस गोदाम में आग लग जाने के कारण लगभग 200 बोरा यूरिया जो था वह जलकर नष्ट हो गया। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना दी गई तो वहां उन लोगों ने पहुंचे और पहुंचने के बाद उन लोगों ने देखा कि गोदाम में तो कुछ जितने यूरिया थे उसके बाद जलकर राख हो गए थे। जी, जब उसके बाद इसकी सूचना जब हम लोग फोन से डीओ से बात किए तो डीओ बोले कि इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बुधवार को ही 200 बोरा खाद गया था, लेकिन इसकी टीम बनाकर और इसकी जांच की जा रही है। जी चलिए रंजीत, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 200 बोरा खाद जिसे किसानों के बीच वितरित करने के लिए रखा गया था, लेकिन अगलगी की इस घटना में सारा खाद बर्बाद हो गया।